सवाल जो ये आपने देखा है थंबनेल पे कि ओमान टीम के सामने आखिर क्यों बेदम सी नजर आती है नेपाल टीम। जी हाँ, ये सवाल कहीं ना कहीं जायज है और जो सच में क्रिकेट फैंस हैं, जो रियल क्रिकेट फैंस हैं, वो समझेंगे कि आखिर हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। जब हम अभी रिकॉर्ड स्टैट सब निकाल रहे थे, खंगाल रहे थे चीजें एशोसिएट के बारे में, जैसे कि हम लगातार प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम एशोसिएट की सारी न्यूज़ पहुंचाएं, कोशिश करते हैं हम कि आपके पास सारे रिकॉर्ड्स लेके आए, उसी में हमारे सामने एक चीज आई। जी हाँ, वो सच में कहीं ना कहीं शॉकिंग वाला था और वो इसी से रिलेटेड है कि ओमान टीम के सामने नेपाल की टीम जो है वो बहुत ज्यादा बेदम नजर आती है। इसके पीछे वजह है, जी हाँ, पूरी एग्जाम्पल और वजह के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है वजह अयान, सबसे पहले आप इसको सॉर्ट आउट करें। देखिए, कहीं ना कहीं हार अलग अलग है। अगर हम वनडे की बात करें तो वहां पे 16 रन से हार होती है, फिर 8 विकेट से हार होती है। लेकिन अगर T20 आई की वहां बात करें तो वहां पे नेपाल को इतनी जल्दी ऑल आउट कर दिया जाता है 64 रन के पे, अंदर। जी हाँ, 64 ऑल आउट। बिल्कुल, तो 64 रन पे ऑल आउट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं नेपाल की, कहेंगे ओमान के सामने उनकी टीम की बॉलिंग एक बहुत बड़ा कारण है। ओमान की टीम की बॉलिंग में बहुत बड़ा एक रीजन है जो नेपाल को शायद खेलने में दिक्कत होती है। और ऐसी ही दिक्कत कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूंगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से अलग जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी ही दिक्कत अगर स्कॉटलैंड के साथ भी उन्हें पेश आएगी अगर वो ओमान के साथ ऐसा खेलेंगे। पर ना ओमान की बात हो रही है तो ओमान से ये दिक्कत भी रखती है कि बैटिंग में कहीं ना कहीं, और ओमान की बॉलिंग फायर पावर में इतनी ताकत है तो कहीं ना कहीं वो बैटिंग नेपाल की बहुत ज्यादा वीकनेस नजर आती है ओमान की बॉलिंग के साथ। जी हाँ, 2 ODIs ओमान और नेपाल के बीच जो हुए थे उसमें से दोनों में ओमान ने जीत जीत दर्ज की थी और बहुत कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि कोई नेल बाइटिंग थ्रिलर हुआ था। एक मैच 18 रन से जीता गया है और एक 16 रन से जीता गया है और एक मैच 8 विकेट से जीता गया, उसमें तो सभी को पता है आकी विलियर्स ने शानदार शतक जड़ा था। जी हाँ, और उस मैच में खास करके बॉलिंग पूरी तरह से बेदम रही थी। यहाँ तक कि अगर हम बात करें, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ओमान टीम के सामने किस तरह की नेपाल को क्लियर कट दिखता है कि उनके सामने ये प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर उनकी टक्कर में ये काफी पीछे रह जाते हैं। इसका यही एक सबूत। और T20 में जहां तक बात करें तो 64 ऑल आउट, यानी ODI और T20 में जब जब सामना हुआ है तो हर बार ओमान ने बाजी मारी है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जहां तक बात है, अभी हम बॉलिंग से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, नेपाल के स्टार परफॉर्मर, जी हाँ, स्टार बॉलर संदीप लामिछाने, जी हाँ, संदीप लामिछाने की अगर हम बात करें, उन्होंने ODI में 10 ओवर का स्पेल डाला, फिर दूसरी ODI में उन्होंने 10 ओवर का स्पेल डाला, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत बड़े बॉलर हैं। उन्होंने दोनों ही मैचों में 20 ओवर डाले हैं। जी हाँ, लेकिन 20 ओवर में उन्होंने 110 रन करीब खर्च किए हैं, लेकिन एक भी विकेट उनके नाम नहीं लगा है। ओमान के सामने की हम ये बात कर रहे हैं, उनके नाम एक भी विकेट नहीं लगा है। कहीं ना कहीं ये क्लियर दिखता है, एक बार होता है समझ में आता है, लोग कहते हैं तुक्के में जीत गए, लेकिन दूसरी बार भी और फिर तीसरी बार भी और 64 रन पे ऑल आउट हो जाना, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है या फिर ओमान के सामने नेपाल की टीम कहीं ना कहीं हमेशा कमजोर पड़ती रही है और क्या पता आगे भी किस तरह से कमजोर रहे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे आयन, कि रीजन आपके हिसाब से क्या लगता है? मतलब 3 बार भिड़े हैं और तीनों बार कंफर्टेबल विन, ऐसा नहीं कि कोई नेल बाइटिंग थ्रिलर हुआ या कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को। देखिए, सबसे जबकि नेपाल एक बेहतरीन T20 टीम है और ODI भी अच्छा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ODI में अच्छा करना और अच्छे हो जाना में बहुत फर्क है। अच्छा सभी कर रहे हैं, कोशिश सभी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेन जो है रीजन है वो है आपको पिच पे टिकना है, टिकना भी है। चलिए, अभी आप नए नए हैं, ODI में नए नए हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं नए हैं, लेकिन ओमान भी नया है। बिल्कुल, पिछले 5 साल में जिस जिस जगह पे ओमान खड़ा है आज, इतनी कम टाइम में वो आज इतने ऊपर है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आता है कि नेपाल में बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड बैट्समैन अपना लेते हैं ओमान की टीम को देख के, और यही डिफेंसिव मोड मुझे नजर आएगा अगर ये सीरीज हो जाती है स्कॉटलैंड और नामीबिया वाली। मैं गारंटी से कह सकता था ये डिफेंसिव मोड मुझे स्कॉटलैंड के खिलाफ भी देखने को मिलता। अगर आप डिफेंसिव मोड अपनाएंगे, अटैकिंग मोड का मतलब ये नहीं है कि आप पागलों की तरह, बिल्कुल देखिए, एक रन रेट के हिसाब से अगर रन मारे, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दूसरी ODI की, 249 रन आपने 50 ओवर में मारे, लेकिन उस पर गौर करने वाली बात यह है कि आपने उसमें 8 विकेट तकरीबन गिर गए आपके। जी, 8 विकेट गिर जाते हैं 249 रन, जब आपको पता है कि उस टीम में इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। क्यों आपने इतने कम रन मारे हैं? क्योंकि आपके पास परफॉर्मर की कमी। पारस खड़का और ज्ञानेंद्र बल्ला, मेरा यही आपसे एक सवाल है कि क्या नेपाल को थोड़ा सा यहाँ पे अटैकिंग मोड अपनाना चाहिए जब बड़ी टीम खेला जाए, और क्या
हर प्लेयर्स को ऊपर नीचे थोड़ा किया जाए, जैसे कुछ अटैक प्लेयर होते हैं टीम में उनको थोड़ा ओपनिंग कराया जाए और नीचे थोड़ा डिफेंसिव, या फिर कप्तान या फिर मेरा मतलब ये है कि ऊपर ही ज्ञानेंद्र मल्ला और पारस खेड़ा को ऊपर ही भेज दिया जाए और नीचे सब खाली है। यही तो दिक्कत आ जाती है। अगर हम अगर हम पारस खड़का और ज्ञानेंद्र मल्ला को अगर ऊपर भेजती है, पारस खड़का ने ऑब्वियसली परफॉर्म किया है, लेकिन अगर वही अकेले परफॉर्म करेंगे तो असर दिखता है टीम पे। जी हाँ, परफॉर्म नहीं करेगा। जी हाँ, यही दिक्कत है। इसलिए हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि पारस खड़का और ज्ञानेंद्र मल्ला पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है जब भी स्कोरिंग की बात हो, ओडीआई में खास करके बिल्कुल डल परफॉर्मेंस है सारे परफॉर्मर की। जी हाँ, एक दो बोल के नहीं, सारे बैटिंग में जितने भी हैं, बैटिंग सेक्शन में खास करके 7 नंबर तक वो सिर्फ 2 ही चमकते हुए दिखते हैं, बाकी 5 एकदम ये सब आप कह सकते हैं कि एकदम पूरी तरह से आउट ऑफ कलर्स प्लेयर है कहीं ना कहीं, तो उसको जाना कितने टाइम तक आखिर ढोया जा सकता है। वही हमारा कहना है कि बाकी टीमों के खिलाफ ठीक है, लेकिन ओमान के सामने पूरी तरह से बेदम नजर आती है ये टीम। और कहीं ना कहीं ओमान इनको अब तो ओमान हमेशा अपर हैंड होता है नेपाल से जब भी इनका सामना हुआ है, 2 ओडीआईज में और 1 T20 में। और कहीं ना कहीं अगर ये भी कह लें, जैसे कि बहुत सारे फैन, और अब मुझे समझ में आता है स्टेट्स निकले हैं तब अब मुझे समझ में आता है कि कुछ फैंस हैं नेपाल के भी, जो कुछ फैंस हैं जो कहते रहते हैं कि ओमान से कुछ ज्यादा ही उनकी खुन्नस है, ऐसे उनका उनके बॉडी लैंग्वेज से या फिर उनकी बातों से दिखता है कि वहां तो इमर्जिंग प्लेयर आते हैं, बाहर से आते हैं, देश से आते हैं, ऐसे आते हैं, वो उनको एक्स्ट्रा वो अकेडमी उनको बहुत ट्रेनिंग वेनिंग हुई होती है। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि उनसे कमजोर ट्रेनिंग वाले या उनसे कमजोर टैलेंटेड प्लेयर्स आपकी टीम में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। टैलेंट तो आपके प्लेयर्स के पास भी होना चाहिए, उसी में पारस खड़का ज्ञानेंद्र मल्ला कैसे रन मार लेते हैं, बाकी प्लेयर्स क्यों नहीं मार पाते, वो भी तो है, वो भी तो पारस खड़का ज्ञानेंद्र मल्ला भी तो रन निकाल रहे हैं ना। ओमान के सामने कहीं ना कहीं हर बार बाजी ओमान ने मारी है, आखिर ओमान को क्यों नहीं डिफीट कर पाती नेपाल, इसके पीछे क्या रीजन है, ये तो हमारे तर्क थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह है कि अब तक 3 बार भिड़ने के बावजूद भी 3 बार नेपाल को मात खानी पड़ी है ओमान के सामने कहीं ना कहीं, और खाली मात नहीं खानी पड़ी है, काफी बुरी हार हुई है, एक बार 8 विकेट से, एक बार 16 रन से और एक बार 64 रन पे ऑल आउट हो जाना T20 में। ये सब कहना कि अब यंग प्लेयर्स आए अब अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं होता, यंग प्लेयर्स और भी आते हैं, इंडियन टीम में भी यंग प्लेयर्स आए थे, WTC फाइनल हार गए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्या कोई जरूरी नहीं है कि कुशल पुर्तल और ये सब आके अब एकदम राइज अप आसमान में पहुंचा देंगे, बिल्कुल नहीं। जब उस टाइम पे ये नए प्लेयर्स आए थे तब इनको भी देख के ऐसे लगा होगा कि नहीं ये बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं ये एकदम ऊंचाई पे ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कि अब यू आप कोई प्लेयर्स आए तो एकदम उसी के दम पे चले, हाँ कुछ दिन चल सकते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हीं के कंधे पे आप कहें कि नहीं अब बहुत अच्छी टीम हो गई है, वो आने वाले वक्त में देखा जाएगा कितनी अच्छी टीम हुई है जब ओमान के साथ सामना होगा। यहाँ बात हमारी सिर्फ ओमान के बारे में हो रही है कि ओमान के सामने किस तरह से नेपाल पूरी तरह से बेदम नजर आता है, फिर आप कहें बैकफुट पे नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा, अगर आप बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं, मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ, मैं ओमान नेपाल वर्सेस ओमान की बात कर रहा हूँ, ओमान बड़ी टीम है और मुझे पूरा यकीन है कि वो वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप्स के लिए 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में माता रखती है, लेकिन जब आप इस बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो मुझे लगता है आपकी बॉलिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपके पास 10 विकेट लेने वाले प्लेयर्स होने चाहिए जो 10 विकेट गिरा सके, 250 रन पे आपने सिर्फ 2 विकेट गिराए। अब आप कहेंगे कि हमने 197 पे भी तो ऑल आउट किया है, लेकिन किया है तो वो दूसरे मैच में कहाँ गया, कंसिस्टेंसी इसे ही तो कहते हैं, एक आप इसे 2 ही तो ओडीआई खेले हैं, 2 मैच में कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मुझे सबसे जो चीज लगती है, मैं हमेशा एक बॉलिंग का साइड में रखता हूँ कि बॉलिंग 10 विकेट गिराने वाली और टेस्ट में या वगैरह वगैरह में 20 विकेट गिराने वाली बॉलिंग होनी चाहिए, पर नेपाल के पास कहीं ना कहीं लामिछाने और करण केसी सोमपाल कामी है जरूर, लेकिन सही टाइम पर परफॉर्म करना शायद अभी उन्हें और ज्यादा जल्द से जल्द सीखना होगा, क्योंकि लंबा फॉर्मेट खेलना है आप अगर चाहते हैं आगे जाना तो पहले ओमान स्कॉटलैंड जैसी टीमों को हराना होगा, साबित करना। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है क्योंकि साबित करना जरूरी है, ओमान के सामने ऐसा ने कहा पूरी तरह से बेदम नजर आती है, और अगर नेपाल ने 197 पे आउट किया है तो फिर ओमान ने भी 64 रन पे नेपाल को आउट करके दिखाया है, तो कहीं ना कहीं ओमान को बहुत ज्यादा अपरेंट हो जाता है जब भी ओमान और नेपाल का सामना होता है, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से नेपाल वो टीम है ही नहीं, बैकफुट पे नजर आती है जो बाकी टीम्स के सामने होती है कहीं ना कहीं, तो इसको थोड़ा सा ठीक करने की मेरे ख्याल से जरूरी है। और मुझे पता है बहुत सारे फैंस आप मुझे गुस्सा हो रहे होंगे, नाराज हो रहे होंगे, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा था अगर आप रियल क्रिकेट फैंस हैं तो ही समझ पाएंगे, वरना नहीं, वरना आपको जाहिर सी बात है हर कंट्री को अपने प्लेयर्स प्यारे होते हैं तो वो बायस्ड होकर ही आंसर देंगे, लेकिन मैं देखूंगा कमेंट में अगर कोई भी एक अनबायस्ड कमेंट हुआ तो अच्छा लगेगा, कम से कम एक तो ऐसे हैं जो अनबायस्ड हैं क्रिकेट को लेकर और वो रीजन के साथ बता पाए कि हाँ क्या रीजन हो जाता है जब भी ओमान के सामने नेपाल से। जी हाँ, रिकॉर्ड तो कम से कम यही कहते हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो आप कमेंट नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करिए, मिलेगा आप हमारी बात से सहमत है और कमेंट बॉक्स में खुला है, आप अपनी ओपिनियन रखिए। बिल्कुल आप हमें बैश करना चाहते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदलने वाली। फिर आएगा आपको हराएगा, फिर आएगा आपको हराएगा, फिर आएगा आपको हराएगा। वो जो कमजोरी है, जो कमजोरी नजर आ रही है ओमान के सामने, वो हमें या फिर किसी और को बोलने से या फिर चढ़ जाने से उससे कोई बच नहीं निकल सकते, चाहे वो कोई भी टीम क्यों ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना, चाहे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार क्रिकेट अपडेट आपके लिए हम लाते रहेंगे और लगातार इस तरह की वीडियोज आपके सामने पेश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना।